आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार आज हम थ्री जिपर पाउच बनाएंगे वो भी आसान तरीके से तो पहले मैंने ये कपड़ा सीट और अस्तर लेके इसे क्विट कर लिया और इसका मेज़रमेंट है ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंच बाय टेन पॉइंट फाइव इंच टेन पॉइंट फाइव इंच की ही जिप लेनी है और का कर लेनी है यहाँ पे स्टिच टोटल हमें ऐसी तीन जिप लेनी है पहले ये दो जिप हम इधर स्टिच कर लेंगे दोनों साइड स्टिच हो गई फिर इधर कर लेंगे टॉप स्टिच टेन पॉइंट फाइव इंच की जिप लेनी है और वहीं पे हमें जोड़नी है ये टॉप टॉप स्टिच हो गई अभी ये तीसरी जिप लेनी है उसे खोल लेंगे और जो सीधी साइड है उसे नीचे की साइड रखेंगे और इधर स्टिच कर लेंगे जिप के ऊपर रख के ही इसे स्टिच कर लेना है ये स्टिच हो गया अभी यही नाप का हमें एक अस्तर का लाइनिंग का टुकड़ा ले लेना है और यहाँ पे ज़िप के ऊपर जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ स्टिच कर लेना है स्टिच हो गया अभी इसे कर लेंगे हम इस तरह से सीधा और फिर यहाँ पे हम स्टॉप स्टिच लगाएंगे जिप के बाजू में यहाँ पे ये यह देखिए यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगानी है ध्यान रखिए जो जिप दूसरी है हमने पहले अटैच की थी उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए नहीं तो रनर एड नहीं होगा अभी टॉप स्टिच हो गई अभी इसमें हम दो ज़िप है उसमें पहले रनर ऐड कर लेंगे ये दोनों रन रनर ऐड हो गए अभी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेनी है तो ऊपर की जो ज़िप है उसमें सिलाई नहीं करनी है ओनली ये दो ज़िप है जो पहले हमने स्टिच की थी उसमें ही करनी है नहीं तो हम पहले वाली ज़िप में रनर ऐड करना चाहेंगे तो वो रनर ऐड नहीं होगा सिलाई अगर उसके ऊपर चला दी तो लाइनिंग का टुकड़ा पूरे में जॉइंट करके हो गया अभी हमें सेंटर का मार्क करना है तो जिप को ऊपर की साइड हमें ऐसे पकड़ना है और सेंटर का मार्क कर लेना है दोनों साइड सेंटर का मार्क हो गया अभी उसे फोल्ड ही रखेंगे बीच में से और वहाँ से हम डेढ़ इंच का 1.5 इंच का मार्क करेंगे दोनों साइड इस तरह से फिर इसके ऊपर कर लेंगे हम स्टिच इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है ताकि हमारे दो पॉकेट अलग अलग बने ये दोनों अब इसमें रनर ऐड करेंगे तो रनर को ऐड करने के बाद एक बार इसे निकाल लेना है और वापस ऐड करना है इसमें ताकि हम जब सिलाई करें तो ये ठीक से सिलाई हो पाए ओपन जिप रहती है तो चैन खुल जाती है इसके लिए हमें ऐसे निकाल के वापस रनर ऐड करना है रनर ऐड करने के बाद दोनों साइड ऐसे ज़िप के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है ये सिलाई इसके लिए चलानी है कि अभी हम पाउच को उल्टा करेंगे तो जब भी हम उल्टा या सीधा करते हैं तभी जिप हमारी ओपन हो जाती है तो ये ओपन ना हो इसके लिए हमें दोनों साइड ज़िप के ऊपर सिलाई कर लेनी है ये देखिए अभी इसे उल्टा कर लिया और जो हमने सेंटर मार्क किया था उसे और जो तीन जिप लगाई है उसमें जो बीच वाली जिप है उस पर हम सेंटर मार्क करेंगे और फिर 3.5 पॉइंट फाइव बाय फोर पॉइंट फाइव इंच का ये दो पीसीस ले लिए हैं क्विट किए हुए और उसमें हमें बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और कर लेना है सेंटर मार्क 3.5 पॉइंट फाइव इंच है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है और फिर ये सेंटर मार्क में इसे ऐसे मैच करेंगे और कर लेंगे पिनअप और यहाँ पे जो बीच वाली जीप है उसमें इसका सेंटर मैच करना है और जो मेज़रमेंट हम लिख के दिखाते हैं वही नाप का आपको पीसीस लेना है क्या होता है कभी दिखाने के लिए जाते हैं तो उंगली इधर की उधर हो जाती है तो जो लिख के देते वही नाप से आपको करना है अभी ये दोनों पीस दोनों साइड जॉइंट कर लिए और फिर पाउच को कर दिया सीधा तो ये देखिए हमारा थ्री जिपर पाउच बन के रेडी है वो भी एकदम आसान तरीके से ये देखिए बीच की जो पॉकेट है उसमें बहुत सारा स्पेस है और यहाँ पे भी एक पॉकेट और यहाँ पे भी एक तो थ्री जिपर पाउच बन के हमारा रेडी है देखिए सब में अलग अलग पॉकेट बन के इस तरह से रेडी होते हैं तो आशा रखती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और ये पाउच भी आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय भारत जय हिंद